भगवत गीता साक्षात भगवान की वाणी है। यह अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में हुआ दैवी संवाद है। यह संवाद आज से 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर हुआ। भगवत गीता में जीवन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर है, जैसे हम कौन हैं, भगवान कौन है, हमें कष्ट क्यों होते हैं, क्या पुनर्जन्म होता है, क्या अन्य ग्रहों पर जीवन है, हम कैसे इस जन्म और अगले जन्म में सुखी रह सकते हैं, हम कैसे भगवत धाम को जा सकते हैं। कोई पूछ सकता है कि कुरुक्षेत्र में हुए महान युद्ध जिसके दौरान भगवत गीता कही गई, उसका कारण क्या था। 5000 वर्ष पहले विचित्र वीर्य नामक एक महान राजा का देहांत हो गया, क्योंकि उसका बड़ा पुत्र धृतराष्ट्र जन्म से अंधा होने के कारण राज्यभार संभालने में असमर्थ था। अतः उसके छोटे भाई पांडु ने राज्य सिंहासन संभाला। पांडु की मृत्यु के बाद उसके 5 पुत्र जो पांडवों के नाम से विख्यात थे, जो नियमानुसार राज्य के उत्तराधिकारी बने, लेकिन पांडव भी बालक ही थे, अतः धृतराष्ट्र ने स्वयं राज्यभार संभाला। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो कौरवों के नाम से जाने जाते थे। जब पांडव बड़े होकर राज्य संभालने लायक हुए तो वे संपूर्ण राज्य नहीं लेना चाहते थे, हालांकि वो उनका नियम संगत अधिकार था। वे राज्य को अपने चचेरे भाइयों के साथ बांटना चाहते थे और इस प्रकार राज्य को पांडवों और कौरवों के बीच बांट दिया गया। लेकिन कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन अपने भाग से संतुष्ट न था, वो संपूर्ण राज्य को स्वयं ही भोगना चाहता था। उसने पांडवों को मारने के लिए कई षड्यंत्र रचे, लेकिन वो असफल रहा। फिर उसने नियम के विरुद्ध संपूर्ण राज्य को हड़प लिया और पांडवों को राज्य से निष्कासित कर दिया। पांडवों ने फिर 5 गांव की मांग की। दुर्योधन ने उत्तर दिया, 5 गांव तो दूर, वो सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दे सकता। भगवान श्री कृष्ण ने जमीन के इस झगड़े को शांतिपूर्ण एवं अहिंसात्मक तरीके से सुलझाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन दुर्योधन ने यह प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए पांडवों के प्रति युद्ध की घोषणा कर दी और इस प्रकार महाभारत का महान युद्ध अवश्यंभावी हो गया। युद्ध की तैयारी में अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने गए। भगवान श्री कृष्ण उनकी मदद मांगने को आए किसी भी व्यक्ति को नहीं ठुकराते थे, चाहे वह सज्जन हो या दुर्जन। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी संपूर्ण सेना को एक और तथा स्वयं को मार्गदर्शक के रूप में दूसरी ओर देने का प्रस्ताव रखा। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की सेना को चुना, जबकि अर्जुन भगवान को मार्गदर्शक के रूप में प्राप्त करने को उत्सुक था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मार्गदर्शक तथा सारथी बने। युद्ध स्थल में अर्जुन एक दुविधा में पड़ गया कि वह अपने अधिकारों के लिए लड़े, जिसके लिए आवश्यक था अपने ही स्वजनों का वध, या युद्ध भूमि से पलायन कर दुष्ट दुर्योधन को राज्य पर शासन करने दे। अर्जुन अपने को इस दुविधा से बाहर निकालने में असमर्थ पाकर भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है। शरणागत आए अपने मित्र एवं भक्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के दिव्य उपदेश द्वारा इस दुविधा से उबारते हैं और श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से अर्जुन के ही समान अपनी शरण में आए सभी भक्तों का मां। गीता महात्म्य के अनुसार भगवद गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः कुमाम। यदि कोई भगवद गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है, भय शोकादि वर्जितः। वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। गीताध्यनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
मलिने मोचनम पुंसाम जलस्नानम दिने दिने सकृद गीता अमृत स्नानम संसार मलम नाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनिस्तता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्राद्विनिस्सतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है गाय के तुल्य है, और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दुह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान हैं और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र एक ईश्वर एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं, अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एव सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि और एक मंत्र एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा और केवल एक ही कार्य हो भगवान की सेवा। अध्याय एक कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र ने कहा हे संजय धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा हे राजन पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे हे आचार्य पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं यथा महारथी युयुधान विराट तथा द्रुपद। इनके साथ ही धृष्ट केतु चेकितान काशीराज पुरुजित कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म कर्ण कृपाचार्य अश्वथामा विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। हमारी शक्ति अपरिमेय है
और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जन किसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भौजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड नामक भयंकर शंख बजाया। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा,
अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? हे जनार्दन, यद्यपि लोक से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों? कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अध्याय 2, गीता का सार। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनुप भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमनकर्ता, हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा? ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उससे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। संजय ने कहा। इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। हे भरत वंशी धृतराष्ट्र,
उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत का तो कोई चिरस्थायित्व तो नहीं है, किंतु सत अपरिवर्तनीय रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं।
जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यहां मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रताप पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि, मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और चलता है? श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली
इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उनकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मसंयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। अध्याय 3 कर्मयोग। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? आपके व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। श्री भगवान ने कहा,
हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ कारणीय कर्तव्य नहीं होता। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रह जाता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है
कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं, यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। सुय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। इसलिए हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा
इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था? श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परमतप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। यद्यपि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं मैं कर्म फल की कामना करता हूं। जो मेरे संबंध में सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। ऐसा ज्ञानी पुरुष
पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चक्कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या तो इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए ना तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए
भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। अध्याय 5, कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर बहुबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश रहता है। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है तब वह नौ द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा
तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलमश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थिर हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवद विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वेष से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी हैं और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को बहों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा पान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है, वह अवश्य ही मुक्त है। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। अध्याय 6 ध्यान योग। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और अस्ति योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं, उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। अष्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे
और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हों, पत्थर हों या कि सोना, एक समान देखता है। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईश्वालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए और अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण
जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और ना वह मेरे लिए दृश्य होता है। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है, वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल, उश्शंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। जिसका मन श्रृंखल है, उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है, उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फल स्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूं। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैविक चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंत तो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो
और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। अध्याय 7 भगवत ज्ञान। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ विशेष नहीं रहेगा। कई हजार मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी अपरा प्रकृतियां हैं। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। हे प्रथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। प्रकृति के 3 गुण वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। निस्संदेह ये सब उदार चित्ता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूं। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह
उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए तो मैं अपने अंतरंग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं। अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। अध्याय 8, भगवत प्राप्ति। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ कहलाता हूं। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे।
वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचरित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसे सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही असहायवत विलीन हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः चला आता है। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। अध्याय 9, परम गुह्य ज्ञान। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है
और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। हे कुंती पुत्र, कल्पकांत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, घी, अग्नि तथा आहुति हूं। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूं। मैं ज्ञे, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूं। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूं। मैं ही लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूं। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूं और वर्षा को रोकता तथा लाता हूं। मैं अमृत हूं और साक्षात मृत्यु भी हूं। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ ही में हैं। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं।
किंतु वे यह त्रुटि पूर्वक ढंग से करते हैं। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूं, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। अध्याय 10, श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। जो मुझे अजन्मा, अनादि, समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। सप्तऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा
अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवीय ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति हूँ। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में मुझे उच्च ईश्वर जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ और मनुष्यों में राजा हूँ। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ। दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। अक्षरों में मैं अकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूँ। मैं सामवेद के गीतों में बृहत साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ,
और बलवानों का बल हूँ। मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। अराजकता का दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। अध्याय 11, विराट रूप। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना सीम विश्व रूप दिखलाइए। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हे भारत, लो, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। आपके रूप को
उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोक भयभीत हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रवेश कि आप अपने मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं? मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे, अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा,
हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रपिता मैं हैं। अतः आपको हजार बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। आपको आगे, पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं। अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ठिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की घृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्यन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवी रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है।
यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। अध्याय 12, भक्ति योग। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण माना जाए? श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को विचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते, तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रखता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है।
जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। अध्याय 13, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूं। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहां से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रियाएं कहा जाता है। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है
और सबों को जन्म देता है। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अघम योनियां मिलती रहती हैं। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। अध्याय 14, प्रकृति के तीन गुण। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। हे भरत पुत्र,
ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है, ये हैं सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है तो कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हे भरत वंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वीलोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे हैं तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे हैं वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? भगवान ने कहा, हे पांडु पुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा विचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है
ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग। भगवान ने कहा, कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधी को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीव, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित हैं। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग कर सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं, वह यह सब देख सकता है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थिर रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूँ और मैं श्वास प्रश्वास में रहकर चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है।
अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। अध्याय 16, दैवी तथा आसुरी स्वभाव। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान के अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा ज्ञान, ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। जो आसुरी हैं, वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। इस नरक के तीन द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। हे कुंती पुत्र,
जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी? भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग दंभ तथा अहंकार से विभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं वे असुर कहे जाते हैं। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी माना जाता है। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना यही वाणी की तपस्या है तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि ये मन की तपस्याएं हैं। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। मूर्तावश आत्मपीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है।
सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये तीन शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थीं। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत हैं। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं और हे केशनिषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूं। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दूल, शास्त्रों में त्याग तीन तरह का बताया गया है। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथा पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना संभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित अनिच्छित तथा मिश्रित ये तीन प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए पांच कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये पांच कर्म के कारण हैं। मनुष्य अपने शरीर मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन पांच कारणों के फलस्वरूप होता है। अतएव जो इन पांचों कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता
ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता ये तीन कर्म के संघटक हैं। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्मफल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्य अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा सफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा करणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी है। हे प्रथापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा चल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे तीन प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त हो। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार
वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। प्रत्येक उद्योग किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्र तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा विनाशी धाम को प्राप्त होता है। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनष्ट हो जाओगे। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो, तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया। इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा
और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है, और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे एकाग्र चित्त होकर सुना, और क्या अब तुम्हारा ज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्य चकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्णा, हरे